अमित जी नमस्कार। अब देखो, पहले जो वेस्ट डिकम्पोजर था और अब जो आपने भेजा उसमें इतना फर्क है, ये गाढ़ा है, बहुत गाढ़ा है। देखो जैसे चाशनी चाशनी की तरह बहुत अच्छा चंचनाट होता है, एकदम गाढ़ा। ये आज तीन रोज का हुआ है, एकदम गाढ़ा बना। हाँ देखो, जैसे राजू राम जी का एक वीडियो देखा था, उसमें ऐसे गाढ़ा हो रहा था, ऐसे चाशनी थी, और ऐसा ये हो रहा है। यह अभी दो ही दिन का हुआ है, ये भी बहुत गाढ़ा है, जैसे हम चाशनी से भी ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है यार। इतना गाढ़ा ऐसे लग रहा है जैसे स्प्रे पंप में ये पानी के साथ चलाएंगे तो ये पंप में कैसे जाएगा, शायद इसमें पानी मिला के फिर चलाना पड़ेगा, बहुत गाढ़ा हो रहा है। इसमें सामर्थ्य 200 लीटर था, उसमें 20 किलो गोबर, 20 किलो गोमूत्र और 2 किलो चने का आटा, और इसमें 10 लीटर छाछ डाला। ये पीयूष अमृत है, ये आज 10-12 दिन का हो गया, और ये बनकर तैयार है, ये लगभग 10 रोज का हो गया है। इसमें अब झाग नहीं आते हैं, और ये मदर कल्चर है जो आपने भेजा था, बरसात के पानी में बना के छोड़ रखा है। यह मदर कल्चर है, इस वजह से देखो ऐसी है, सफ़ेद सफ़ेद लेयर सी बन रही है। यह मदर कल्चर है, और यह भी आज 3-4 रोज का हो गया है। इसमें गाजर घास जो यूरिया के लिए बनाया हुआ है, और ये भी वेस्ट डिकम्पोजर है, दो दिन का हुआ है। ये कुछ को बिना हिलाए नहीं हिलाया है, फिर भी देखो ये ऐसे बन रहा है। बस फर्क इतना लगा कि ये बहुत गाढ़ा हो रहा है, और मैंने ये सरसों की खली है, ये सरसों की खली का खली बनाई है, और अब फर्क मैंने जो पहले चने बोए थे उस चने को निकालने के बाद में आपने भेजा, उसके बाद में यह 1.5 एकड़ जगह है, उसमें मैंने 5,000 लीटर चलाया था, और उस 5,000 लीटर खरपतवार काफ़ी कम होगी, और उस इस जगह मैंने यह लगभग 60x60 की जगह है, इसमें प्याज बोए थे मैंने, और इस प्याज में चलाया हुआ था, प्याज में खरपतवार बहुत कम होगी, और जैसे यहाँ थोड़ी बहुत खरपतवार निकाल दिया। और यह है इस जगह चलाया हुआ था, शायद धूप है, धूप में दिख नहीं रहा है, यहाँ इस पर हमने कल शाम को स्प्रे किया था, 15 लीटर की टंकी में 5 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर, बाकी 10 लीटर पानी। कल ही स्प्रे किया है, यह 20 दिन की फसल है, 20 दिन पहले प्याज बोए थे, इसमें खरपतवार बहुत कम है, और देखो इस पर ऊपर शायद नहीं दिख रहा होगा, धूप है, ऊपर पतली रेत, जैसे अंदर से बारीक रेत खूब आ रही है। ये प्याज है, इसमें खरपतवार बिल्कुल नए के बराबर खरपतवार है, बहुत कम खरपतवार उगी है इस पे। हमने कल शाम को ही स्प्रे किया है, खरपतवार बिल्कुल नहीं, और प्याज है वो एकदम स्वस्थ कड़े हैं, अभी छोटे हैं, 20 दिन की फसल है यह प्याज है। और इससे आगे यह जो जगह दिख रही है, इसमें 5,000 लीटर चलाया हुआ है, इसमें भी खरपतवार नहीं है, हमने ट्रैक्टर चलवा के जो खरपतवार थी वो पहले दबा दिया, और अब खरपतवार नहीं उगी है। इसमें 1 एकड़ में आलू लगाऊंगा, और
आगे जो खेत दिख रहा है वो भी खाली, उसमें ट्रैक्टर चला दिया, उसमें अब चला रहा हूँ, उसमें भी प्रति एकड़ 4-5 हज़ार लीटर के हिसाब से चला रहा हूँ। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे खेत में रसायन मैंने आज तक कभी नहीं डाला है। और उधर जो दिख रहा है वहाँ भी प्याज लगाए हुए हैं, यह अंजीर के पौधों में लगा रहा हूँ, मैं भी चलाता हूँ। अब फिलहाल इतना ही फर्क है कि ये बहुत अच्छा बना, गाढ़ा बहुत बन रहा है, बहुत गाढ़ा बन रहा है। और इसमें चलाए तो इसमें खरपतवार कम उगी है इतना, क्योंकि अभी मैंने डेढ़ महीना ही हुआ है, और ज़्यादा असर तो बाद में पता चला। इस प्याज में मैं हर 10 दिन में स्प्रे करूँगा, 1 महीने बाद में पता चलेगा क्या फ़र्क रहता है। नमस्कार जी, ये मेरा वेस्ट डिकम्पोजर का, यहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर बनाता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर है, ये मदर कल्चर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट और कंडूसी जिब्रेलिक एसिड भी बनाया था। और ये हमारी मिर्च हैं, इन मिर्चों में सब कुछ चलाया हुआ है। मिर्चें अब तो ये बहुत बड़ी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, ऐसे मान लो कि इन मिर्चों की अब समय जा चुका है और मिर्चें खूब लाल हो गई, लाल भी हैं, हमने तोड़ दी हैं मिर्चें, खूब मिर्च लगी। वैसे ज़्यादा दूर में नहीं है, थोड़ी दूर में है, सिर्फ घर खाने के लिए ही है। खूब मिर्च लगी है, देखो। इस पौधे के न जाने हमने कितनी बार तोड़ ली, और ये जैसे अब ये इतनी मिर्च हैं कि ये शाखा नीचे जमीन के टच हो गई। खूब बड़ी हो गई, बड़ी मिर्च हो गई, लाल भी खूब है। ये पौधा ये 3 फुट, यहाँ पर मैंने ऐसे खट्टी लस्सी बना रखी है, इसका स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे करने से पत्ती मुड़न का रोग कम आता है। और वैसे अब ये मिर्च लगभग पूरी हो चुकी है, इनका समय जा चुका है बहुत। ये देखो पौधा, खूब मिर्च हैं, और ये मुश्किल से कोई 150-200 पौधे हैं। इनसे हम जो मिर्चें लाल हो रही हैं वो तोड़ते हैं। सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर, जिब्रेलिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी बनाते हैं वो सब कुछ देते हैं इनमें। और बहुत अच्छी मिर्च लगी, और इनसे जो मिर्चें लाल हो रही हैं वो हम तोड़ते हैं। मिर्चों का कलर बहुत अच्छा है, देखो हम आपको दिखाते हैं, जो लाल तोड़ते हैं और सुखाते हैं। वैसे ये बीज कोई हाइब्रिड बीज नहीं है, हमने जो खाने के लिए मिर्च ली थी उन्हीं की पौध करके लगाई थी। बहुत अच्छा कलर है, और देखो हम सुखाते हैं। यहाँ पर ये गुड़ रखते हैं, ये मिर्च सुखाई हुई है, कीटनाशक में काम आते हैं, ये इकट्ठे करते हैं, ये खारे होते हैं। और कुछ मैंने पौधे लगा रहा कि ये बादाम है, ये अंजीर के पौधे हैं, इनमें भी वेस्ट डिकम्पोजर सिर्फ चलाया था पानी के साथ, और स्प्रे वैसे कुछ नहीं किया, सिर्फ पानी के साथ चलाता हूँ। और ये 7 महीने के पौधे हैं, इन पे अब अंजीर लगना शुरू हो गया। 7 महीने के पौधों पर अंजीर लग रही है।
ये अंजीर है, ये टिश्यू कल्चर का पौधा है। छह एकड़ में अंजीर लगा हुआ है। अमित जी ने बोला था कि मिर्ची का वीडियो बनाकर भेजो, मुझे टाइम नहीं मिला। ये अंजीर है।